उसके बाद हम बाहर निकले गाड़ी के नीचे में थे, गाड़ी के नीचे से बाहर निकल के उसका गाड़ी नीचे मतलब ट्रेन के नीचे ट्रेन के नीचे में थे। उसके बाद उसको खींच के निकाले लेकिन वो नहीं निकला, तब हाथ घुसा के उसके बाद निकाले, जो कि हमको भी करंट लगा है। जब तक वो खत्म हो चुका था? नहीं, उस समय खत्म नहीं हुआ था, वहाँ से मतलब वहाँ पर नहीं खत्म हुआ था, वहाँ से निकलने के बाद खत्म हुआ है। उसको सहायता भी और किसी को नहीं बुलाया? सब लोग वहाँ पर था, सहायता क्या करता, वहाँ पे एक मेडिकल सुविधा नहीं है। हाँ, तो उसकी निकाले कैसे फिर? निकाले हाथ से ही निकाले हैं, खींच के निकाले हैं। तो आप लोग घरे नहीं लगा? लगाया हम छोड़े नहीं कि जब तक नहीं निकलेगा बच जाएगा, यही बहुत हो जाएगा। ग्लव्स नहीं पहनते? नहीं, ग्लव्स कहाँ दिया जाता है? ये ग्लव्स नहीं, ये सूज नहीं, सेफ्टी का कुछ नहीं, हेलमेट कुछ नहीं। वहाँ पर कितने लोग थे आप लोग? हम लोग वहाँ पे लगभग 30 के लमसम आ गए। 30 किलो लमसम थे, उसमें सिर्फ आप ही मदद की? आप ही मतलब आता आदमी तभी ना, जहाँ पे जिसका काम रहेगा वही आएगा ना। अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं भैया, हमको कुछ होगा तो ये नहीं बचाएगा? तालुक आदमी ना आएगा तभी तो, तालुक में ये तो बचाएगा ना। वही बात है, साथ में काम कर रहा था भाई, उसको हुआ ये घींच के निकाला। अब तालुक आदमी जुटते जुटते भाई निकाल दिया उसको। ये गाड़ी में दो से तीन बंदा काम करता है। क्या बोल रही है? वही तीन आदमी मतलब वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उसमें एक खत्म ही हो गया, दो आदमी हो गया। तो जो आपके साथ में एक और था उसको भी करंट लगा क्या? नहीं वो नहीं, वो बाद में आया था, वो मतलब साइड वो सामान वामान लेने के लिए। ग्लव्स ग्लव्स क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ ना वहाँ जब हम लोग जाते हैं स्टोर में इशू कराने के लिए ग्लव्स, तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये ग्लव्स जो है कि एक महीना बाद मिलेगा, ये ग्लव्स 3 दिन के बाद फट जाता है। नहीं दिया जाता है। क्या और सूज मांगने के लिए जाते हैं तो बोलता है जब परमानेंट वाला को कुर्ता नहीं है सूज, तो अप्रेंटिस वाले को कहाँ से देंगे सूज? अप्रेंटिस वाले के लिए नहीं आते, ये बताए। ये डायरेक्ट बोलता है नहीं, हेलमेट देता है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ पे, एकदम लेबर की तरह काम करवाता है हम लोग को। नहीं है, हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, ये काम कराने के लिए बुलाया गया है। हाँ तो भाई काम कराओ ना, उतनी ही काम कराओ ना, हक से ज्यादा क्यों करवाया जाता है? काम नहीं कर रहा था, बोल रहा था। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? क्या यही चाहेंगे भाई को जो सेवेट मिलेगा उसको लिया जाए, उस पर जो हमारे डेड बॉडी बेचारे हैं उनके फैमिली जो आ रहे हैं उनको कुछ सहयोग किया जाए, उनके प्रति कुछ नौकरी चाहे जो भी उनको हेल्प किया, जो उसके माँ बाप हैं उन पे भी क्या बीतेगा बताइए? जो भी बाय रोड आ रहे हैं या जो ट्रेन से जो भी आ रहे हैं लोग, उनका फैमिली उनके साथ अभी क्या बीतता होगा? इकलौता बेटा है वो, क्या होगा उनके साथ बताइए? हम लोग ये नहीं कि अप्रेंटिस करने आए, जीवन ये नहीं करने आए, बर्बाद नहीं करने आए। 7,000 में लगता है, क्या होगा हम लोग? जिसको 77,000 मिलता है वो कुर्सी मस्ती करता है, मस्ती करता है, काम करवाया जाता है हम लोग का, लेबर से भी ज्यादा काम करवाया जाता है। और काम नहीं करेगा तो, काम नहीं करेगा तो बोले नंबर नहीं देगा, अटेंडेंस बोल रहे हैं एब्सेंट लगा देगा, कोई नंबर के हिसाब से पेमेंट मिलता क्या? नहीं, ये नंबर के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है, मार्क्स मिलता है, 120 नंबर वहाँ मिला जाता है, 120 अगर 120 का गया भरोसा पे हम लोग काम करते हैं, अगर जो काम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट बोलता है नंबर नहीं देंगे। तो नंबर नहीं देंगे उसका मतलब क्या हुआ? नंबर हम पेमेंट काटने के जो मिलता है, पेमेंट नहीं करते हैं, काम के हिसाब से नंबर। सर्टिफिकेट वो आगे जरूरी होता है, वो आगे जरूरी होता है, हम लोग का जो सुविधा मिलता है ना, दो लोग लड़के मतलब नीचे काम कर रहे हैं। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? कोई बंदा अभी उसका स्टेट छोड़ के इतने दूर आ रहा है तो वो काम कर रहा है, तो मतलब वो किसी के टेक्नीशियन के किसी के अंडर में काम को देता है, तो उसका टेक्नीशियन कहाँ था? ये घटना जब हुआ तो टेक्नीशियन कहाँ था? उसे काम करने दिया, चलो ठीक है काम कर रहा है, उसको सेफ्टी क्यों नहीं दिया? मतलब सिर्फ तुमको काम कम्प्लीट चाहिए रेलवे का बस, उसके मतलब ये लापरवाही नहीं तो क्या है? ये लापरवाही है ना, उसको सेफ्टी देना चाहिए तभी तो हाथ में। तो अगर तू टेक्नीशियन है तो तेरे हाथ से कर काम, अगर वहाँ तुझे लग रहा है रिक्स है करंट है मतलब कुछ है तो तू खुद करना, उसे क्यों जिम्मेदार आगे उसे ढकना क्या है सर? और अगर पहली बात अगर कोई इनकार कर दे अप्रेंटिस वाला कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा करके, तो खुला बोला जाता है ठीक है अभी नहीं करेगा तू, मास्क लेने तो हमारे पास ही आएगा। क्या मांगे यही सर? मतलब अभी काम करवाते हैं इतना मतलब कुछ सर, अगर एक घटना कोई परमानेंट स्टाफ के साथ होता तो जो भी सुविधा मतलब उसे लागू होता उससे 50% तो इसको फैमिली को मिलना चाहिए।
इतना हम चाहते हैं शाम पार्टी सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ। अगर एक कोई रेलवे एम्प्लॉय है सर, वो उनका सैलरी लगभग 40 से 45 हज़ार नॉर्मल किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप उनका चल जा रहा है सर, लेकिन रेलवे का सर इतना लापरवाही है सर, एक रेलवे एम्प्लॉय को 40 हज़ार दे दे रहे हैं, उसके वजह से 8 अप्रेंटिस वाले 5 अप्रेंटिस वाले खटा रहे हैं सर, इतना काम करवा रहे हैं अंडर गियर से लेकर पूरे अपर गियर तक दिन भर अप्रेंटिस वाले खट रहे हैं। अगर अप्रेंटिस वाले काम नहीं करते हैं तो उनको ये दिया जाता है धमकी कि नंबर तो बेटा मेरे हाथ में है ना, कहाँ जाओगे। तो सर घटना होने का सर देखिए ये तो अनहोनी हो गया, लेकिन हमें सभी अप्रेंटिस वालों से हम यही मांगे पूरे रेल मंत्रालय से भी हाथ जोड़ के सर विनती है कि उसके परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसकी मतलब बिल्कुल स्पष्ट जांच हो, जो जांच में स्पष्ट निकले उस पर कार्रवाई हो। अगर अगर हम लोग को 1 से 2 दिन के अंदर अगर जांच की जो नियम है निर्णय है वो अगर हम लोग को नहीं मिलती है तो फिर से हम लोग DRM आएंगे और DRM में हम लोग मांग करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए किसी घर का लड़का किसी घर का लाडला गया है, बोलना बहुत आसान है लेकिन सर जो रेलवे खटा रही है मंत्री जी भी जानते हैं, कभी आप लोग ग्राउंड लेवल पर उतर के देखिए क्या होता है कभी, कि अगर एक रेलवे एम्प्लॉय मर रहे हैं तो उनके लिए आप करोड़ों रुपये की जो इंश्योरेंस है वो देते हैं सर। अगर हम लोग जाते हैं रेलवे सफर करते हैं तो 35 पैसा का इंश्योरेंस कटता है एक दिन का सर अगर इंश्योरेंस में, उसमें 10 लाख की बीमा की बात कही गई है सर, लेकिन कोई भी अप्रेंटिस साथ अगर मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसके ना कोई बीमा मिलता है। इस पे पहली संज्ञान होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, सेफ्टी हर चीज़ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि कुछ उसके परिवारों को हम लोग को कुछ मांग नहीं है, अब जिसका लड़का गया है वो गया, लेकिन उसके परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, इस बात पर हम लोग अडिग हैं। अगर नहीं है तो आप रूल बनाइए ना, हम लोग आपके में अंडर काम कर रहे हैं। जो एक दिन ट्रेन से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या जी सर, हम लोग फिर यहाँ पे आके धरना देंगे। हम लोग सर स्पष्ट है, 100 बात की 1 बात, हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। शुभ नाम रूपेश चौबे फ्रॉम बिहार आ रहा। आयुष गुप्ता, इन लोगों ने आप लोगों का पक्ष रखा, मैन आपकी 4 मांगे थी। सबसे पहले तो जो आज घटना घटी है उसके वर्कमैन कंपनसेशन या जो भी उसको कंपनसेशन मिलना है वो दिलाया जाए। प्रशासन ने बिल्कुल आपको एश्योर किया है कि एक्ट अप्रेंटिस और रेलवे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत कंपनसेशन की व्यवस्था की जाएगी करेगी, जैसे प्रावधान में लिखा हुआ है। दूसरा, आपने बोला कि आपको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने आपको एश्योर किया है कि संबंधित विभाग को निर्देश किया जाएगा कि जैसे रेगुलर एम्प्लॉय को जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाने हैं वो आपको भी दिए जाएंगे, उसमें बिल्कुल एश्योर किया जाएगा। तीसरा, जो आपने बोला है कि आपके रेगुलर एम्प्लॉय की भांति काम कराया जा रहा है उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी और जो उस पर उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तीसरा, आपका जो चौथा आइटम था कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, उसके लिए भी प्रशासन ने बोला है कि अदर डिवीजन अन्य लोगों से चर्चा करके इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। मैं समझता हूँ प्रशासन ने आपकी सारी मांगों को सुना है, समझा है सर, मेडिकल का भी हम मेडिकल है। अब 1 मिनट अभी आज जब वो बात की चर्चा हो सकती है, ठीक है तो बिल्कुल प्रशासन ने पूरा आपका सहयोग किया है और प्रशासन आपसे अपेक्षा करता है कि आप भी वही सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। घटना अनहोनी थी, कोई नहीं चाहता था, प्रशासन ना आप ना हुई है घटना, दुख है सबको इस बात का, लेकिन अब घटना के हो जाने के बाद उसका सही समाधान क्या है उसकी तरफ प्रशासन पूरा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि हंगामे को छोड़ करके हमें समस्या के समाधान कराई जा रही है।